हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, ना इसे वायु ही सुखा सकती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। वह सत्य के जिसको शस्त्र काट नहीं पावे हो। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूँ। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा। हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूं। चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं। अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु? अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो, आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव, और उनकी दाई ओर युवराज दुर्योधन। हे कौंते, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? वध? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! नहीं, मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है। कृष्णा, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूं? गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए
पिता और भगवान के समान होता है तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूं। जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी आदरणीय शरीर पर तीरों की वर्षा करूं, उन्हीं के सीने को छलनी करूं। मैं इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं, इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी है। इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं, उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं। कृष्णा, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब पितामह ही ने मुझे मेरा हाथ थाम कर जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना सदा फूटती रही है, उस पितामह के सीने में मैं तलवार भोंका खून की नदियां कैसे बहा सकता हूं। मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मैं मेरे अपनों के ही रक्त से स्नान करूं। यह मुझसे कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। वाह अर्जुन वाह, लगता है उर्वशी के श्राप का प्रभाव तुम पर अब भी शेष है। तुम अब भी नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो वो किसी योद्धा की भाषा नहीं। आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जिह्वा थकी नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले द्यूत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निवृत्त होने का तमाशा चुपचाप देखते रहे थे। किसी ने जिह्वा तक भी नहीं हिलाई थी। इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाए थे, और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठे हुए हैं। सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तड़प रही हैं। क्या यही तुम्हारे अपने हैं जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो? हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगन मंडप में नहीं हो, बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो, और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अस्त्रों पर लिख कर आए हैं। देखो उनकी ओर, इनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु का नृत्य देखने की तृष्णा तड़प रही है, और ये तड़प ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। देखो उनके तेवर, देखो ये विषैले बाण किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक है। अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराए हैं, शत्रु हैं, जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो? अरे ये तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव की टड़कार सुनने के लिए उत्सुक है। हे पार्थ, इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। अर्धसत्य तो तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु ये अर्धसत्य तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कौरव जो तुम्हारे अपने हैं वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरव एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है
तो उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम अर्जुन है। पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते। परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो ये अवश्य ही तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूं? यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल के नाश्ते होने वाले दोषों और पापों को नहीं देख सकते तो क्या हुआ? परंतु हम तो इस युद्ध के फल स्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राणघातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है, और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, और वर्ण संकर के पाप के कारण सारा कुल का कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्सनम अधर्मो अभी भवत्युत अधर्मा अभी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे चायते वर्ण संकर। ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुल घाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। वाह अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हे अर्जुन, ये बात कोई वीर नहीं केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था? क्या वर्षों घोर तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र इसलिए प्राप्त किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो विजयी बनकर आओ और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आओ? हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है, इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है। परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। परस्पर विरोधी विचारों की आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। करुण आश्रु पूरित नयन व्याकुल विचलित जान संबोधित कर पा
हो यूं बोले भगवान, बोले श्री भगवान। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नान सोचन्ति पंडिताः। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य बांधकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडिव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडिव नीचे छोड़ दिया है। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। माधव, रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो। परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मधुसूदन? अपने मन को कैसे मारूं?
अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौन डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणात् अतिरिच्यते। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी, तुम मर कर भी अमर कहलाओगे, इसलिए युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है। हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की यह दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन हैं। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। तुम ठीक कह रहे हो केशव, इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से यह पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे अज्ञान के अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम् अर्हसि। ये ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है। यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो? यही सत्य है माधव, मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे ये तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह, कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है? अवश्य, यही तुम्हें समझा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से,
देखो उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? हाँ केशव, बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं, तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को ये दृश्य सजीव करके दिखाता हूं। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार चल रहा है। हे कौन्तेय, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्य माने शरीरे। केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाएं, तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा ये रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है, अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथ ही है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है, अर्जुन मैं हूं जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि। हे महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारने जैसा, जीवात्मा का नूतन जन्म।
नए परिधान के धारण जैसा देह भी चोला वस्त्र भी चोला है यह तथ्य विचार परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। वाह प्रभु वाह। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है, फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं, इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन, उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहाँ है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा, आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है, फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन छिन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानीजन नहीं करते। इसी रूप के लिए शास्त्र कहते हैं, कृष्णम वंदे जगतगुरुम। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं, और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है, किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, फिर वही जन्मना रेंगना उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना, ये सब शरीर के कौतुक हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा। बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में। हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं।
ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। यदि हम आत्मा हैं, तो फिर ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। अच्छेद्यो अयम, अदायो अयम, अक्लेद्यो अशोष एव च, नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। हे पार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, न इसे वायु ही सुखा सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। कि जिसको शस्त्र काट नहीं पावे हो, अलख अभेद्य नित्य को कोई कैसे लक्ष्य बनावे हो। सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। परंतु केशव, शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए, जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वो अब कीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना? नहीं अर्जुन,
ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहां का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मय के घमंड की मदिरा पिलाकर मधोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। वाह प्रभु वाह। बहती रहेगी इच्छा की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। धर्मों के भेद भुला के एक में